गाइस आज वो वीडियो आने वाली है जिसमें लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ रहे थे कि Q&A का क्या हुआ, बच्चा हो गया, खो गए हो, कुछ नहीं हुआ इसको, वो आ जाएगा, तो वो आज आ रहा है और आज हम Q&A की वीडियो बना रहे हैं। मुझे अच्छा लगता है, मैंने क्यों कराई इतनी महंगी नेल्स, ठीक है। तो Q&A की आज हम वीडियो बना रहे हैं और आपने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे, मैंने सोचा था 20 के आंसर दूंगी, पर आपने इतने सारे क्वेश्चंस पूछ लिए, वो 250 निकले। अब मुझे 20 के आंसर्स देने हैं, मैं इतने के कहां से दूंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सेलेक्ट कर लिए सारे क्वेश्चंस, तो मुझे लगा जिन लोगों ने कॉमन क्वेश्चंस पूछे हैं मैं सिर्फ उन्हीं के आंसर्स दूंगी। ये बिल्कुल लहड़पत, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को फटाफट से। हाँ, और एक काम करते हैं, मैं क्वेश्चंस रीड आउट करूंगी और आप उनका आंसर देना। हाँ, फिर आपको ही लगेगा ना, नहीं तो लेफ्ट आउट से बैठो। And I just want to show you my... Okay, so the first question is... तो सिमरन शर्मा ने पूछा है, प्लीज शेयर योर बॉडी केयर रूटीन, मच लव। बॉडी केयर मच लव, कुछ नहीं होता, साबुन की बट्टी होगी 555 की और जूना लेना, रगड़ के मुंह पे लगाना, गोरे जाए कितना चमक के। भाई कुछ भी नहीं करती हूँ मैं अपने रिलेटिव के घर गई थी, नारियल तेल मैंने उनसे उधार पे मांगा क्योंकि वो रियल नारियल तेल, मैंने कहा प्लीज वो मुझे दे दो, मुझे लगाना है। सिर्फ मैं मुंह पे नारियल तेल लगाती हूँ और कभी कभार अगर कोई कोलैब का वो आ जाए फेस वॉश वगैरह तो यूज तो करूंगी ना फ्री का माल, तो वो यूज करती हूँ बस। ऐसा कुछ बॉडी केयर नहीं करती, बस नहाओ, जो कि मैं नहाती नहीं हूँ टाइम पे। तो यार मैं क्या बताऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं। और पता है, तो पहला क्वेश्चन था ये, मेरी कोई ऐसी, कौन चिल्ला रहा है, काई बोचे। पहला क्वेश्चन था ये जिसका आंसर मैंने दे दिया, मैं कोई ऐसा बॉडी केयर रूटीन, क्या बोलते हैं, बॉडी केयर नहीं करती, बोलना भी नहीं आता मेरे को, बोलना भी नहीं आता है, कैसे करेगा अपन। लड़की है रिया कननी, आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग योर नेम द करेक्ट वे। तो मैंने काफी सारे क्वेश्चंस पूछे हैं। हाय दीदू, माय क्वेश्चंस आर, प्लीज टेल योर्स एंड योर सिस्टर्स डेली रूटीन। सबसे पहले इसका आंसर। ओके, सो इसका तो फिर भी कोई डेली रूटीन होगा, मेरा तो कुछ भी नहीं है, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, पालती हूँ, बस मेरा इतना डेली रूटीन है, मैं कुछ भी अलग नहीं करती। तभी आप लोग बोलते हो व्लॉग करो, ये करो। एक तो मेरी क्लासेस होती हैं, मैं अभी बताऊंगी, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं ऐसे भी, मेरी क्लासेस होती है, उसके लिए पढ़ना होता है, फिर टेस्ट होते हैं, उसके लिए पढ़ना होता है, और फिर वीडियोस बनानी होती है, तो पूरा डेली व्लॉग कैसे करूं। दूसरी चीज उन्होंने ये बोली है कि दीदी प्लीज आप स्टार्ट डेली व्लॉगिंग, वी वांट टू सी यू एवरी डे। कैसे करूं डेली व्लॉगिंग स्टार्ट, यार मैं कुछ करती नहीं हूँ। हाँ, मैं सच में कुछ नहीं करती, कुछ अगर मैं नया करूंगी ना, अभी ना मैं ट्रिप बना रही हूँ अपने दोस्तों के साथ घूमने जाने के लिए, तुझे भी ले जाऊंगी, कुछ नहीं होता, पता नहीं छोटी बहनें ऐसे कबाब की हड्डी में क्यों पूछ जाती है। चाइल्डहुड पिक्चर लक्ष्मण वाली, हाँ लगा देना, ठीक है लगा दूंगी, ये रही खुश, और इसमें मैं लक्ष्मण बनी थी। हाँ, और उन्होंने लिखा है लव फ्रॉम गुजरात, कीप एंटरटेनिंग अस, लव यू, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौम्या पटवाल का, हाउ डिड योर लिटिल सिस्टर लर्न इंग्लिश एट दिस स्मॉल एज। हाँ, एक्चुअली बेसिकली व्हाट हैपेंस ना, आई एम द ओनली वन हु सपोर्ट्स हर, एंड मैंने इनको सब कुछ सिखाया, इनको सक्सेसफुल होते एकदम से। भाई अगर मुझे नहीं पता इसके अंदर कहाँ से आई ये इंग्लिश वाली स्किल्स, और अगर मैंने सिखाई होती तो मुझे भी आती इतनी अच्छी, मतलब आती है पर इतनी अच्छी नहीं आती, तो भाई इसका चलो दिखा देती हूँ। देखो मेरे साथ क्या लोल हुआ, पहली आधार कार्ड की पिक तो ऐसी थी जैसे चप्पल मार के बिठाओ, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, इधर से, सॉरी, ठीक है, पहली आधार कार्ड की पिक ऐसी थी, तो सेकंड में मैंने सोचा सेकंड खिंचवाऊंगी बड़ी होके, सब बोलते हैं आधार कार्ड की पिक ऐसी, मैं गई खिंचवाने तो बड़ी होके नहीं, अभी खिंचवाई थी एक हफ्ते में। तो मुझे लगा कि यार ऐसे स्कैन विस्कैन कर रहे होंगे, तो मैं ऐसे करके देख रही थी और वो खिंच गई और वही आ गई, और मैं देख के ऐसा, मैंने कहा ये भी नहीं बोल सकती चीज वहां पे, क्या करूं, अभी दोनों डाल रही हूँ। और मैंने अपना जब आधार कार्ड की पिक्चर वापस से बनवाई थी, मैंने बहुत अच्छा पोस्ट, इसने पता क्या किया, और अगर मैं ऐसा कर देती ना, मेरे को बोलते सुपारी की चुपारी, मुंह से सुपारी थूक के बात करते। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है नंदनी मित्तल ने, द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग यू फील व्हेन यू आर मेकिंग द व्हेन यू आर मेकिंग योर YouTube वीडियोस। और डिफिकल्ट चीज तो ऐसा कुछ नहीं है, एक बारी एक चीज हुई थी, पहले जब वीडियोस बनाती थी कंटेंट इतना खराब होता था मेरा, और मुझे समझ नहीं आता था क्या बनाऊं क्या ना बनाऊं, ये कैसी मुश्किल है,
तो और मैं टू को भी तब टू ही बोलती थी वीडियो में इतनी नर्वस हो जाती थी। नायका हॉल जिस दिन किया था ना उस दिन गई थी, सो आई वॉट दिस टू ई प्लैनेट्स, मुझसे टू का टू ही बोला जा रहा है, टू टू ऐसे टू ई, अपने चार पांच थप्पड़ मारे मैंने खिंचा के, मेरे को टू नहीं आ रहा, तेरे को बोल रहे थे बढ़िया स्कूल में पढ़ाया है, ठीक है ये चीज हुई। और ऐसा होता है, और कभी कभी जब आप आउट ऑफ कंटेंट हो जाते हो, कुछ समझ नहीं आता आप क्या बनाओ, तो आई फील दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड डिफिकल्ट टास्क व्हाइल मेकिंग वीडियोस। और ठीक है दीदी, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है तनवी सिंह ने, और इसका आंसर आप इस मतलब इस क्वेश्चन को भी आप ही रीड करोगे क्योंकि बहुत अच्छे से लिखा है। इतना पागल वाला हरकत का शकल लाता हो आर रल अंजाई आर वाडियास पर सब्सक्राइब करने से पहले सोचना पड़ता है, मगर सब्सक्राइब कर देना प्लांज, पर क्यों सोचना पड़ता है, ये मैं मजाक नहीं बना रही हूँ, मैं थोड़ी मस्ती करती हूँ, मैं मस्ती मस्ती कर रही हूँ, और सब्सक्राइब कर देना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है आयुषी गवाई ने, दीदू आप कहाँ रहते हो, दीदू आपकी एज क्या है, दीदू आप क्या करते हो, मैं आपके ब्लॉग्स अपने सिस्टर के साथ देखती हूँ, दीदू इट्स वंडरफुल, कीप स्माइलिंग ऑलवेज, टेक केयर। थैंक यू सो मच फर्स्ट ऑफ ऑल, पर दीदू की लूज मोशंस लगे हुए हैं, निकलने का नाम नहीं ले रहे हैं, पिटाई हो रही है, हाँ दीदी की कुटाई भी हो रही है, दीदू की पिटाई भी हो रही है, बस दीदू को बचा लो क्योंकि जितनी इज्जत आप दे रहे हो उतनी तो मेरे घर में मिलती नहीं है, तो दीदू मैं अच्छी हूँ, थैंक यू सो मच मेरे को दीदू बोलने के लिए, किसी ने तो दीदू बोला। सो गाइस अगर ना बैकग्राउंड लाइट जाती रहे तो बुरा मत मानना क्योंकि अंधेरा हो रहा है। बताओ इनका आंसर तो, दीदू आप कहाँ रहते हो, मैं घर में, घर है मेरा दिल्ली में, अब ये मैं तुझे दिल्ली में, दीदी आपकी एज क्या है, मेरी एज है 21 साल। अब क्या करते हो, मैं खाती हूँ पत्ती सोती हूँ क्या करती हूँ, मैंने बताया ना अभी, मैं JRF के लिए तैयारी कर रही हूँ, मैं शूट्स भी करती हूँ, डिजिटल एड्स करती हूँ, टीवी से आज तक मिल नहीं पाया, मिलते मिलते हाथ से निकल गया, और मैंने म्यूजिक एल्बम अभी किया जो जल्दी से रिलीज होने वाली है, एंड दैट इज गोइंग टू बी सो सो ऑसम, आप उसको पक्का देखना और आपको बहुत अच्छी लगेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रिमझिम मौर्य ने, हेलो दी माय क्वेश्चन इज, आप इतने ज्यादा क्यूट क्यों हो, प्लीज पिक अप माय क्वेश्चन, बाय द वे आई लव योर वीडियोस, बताओ इतने ज्यादा क्यूट क्यों, क्यूट हूं हूं क्या, सच्ची बता दो, अगर हूँ तो थैंक यू, बट अगर किस किस ने स्ट्रेंजर थिंग्स 4 देखी है उसको पता होगा उसमें से वेगना कौन है, बिल्कुल सेम वैसी लगती है, कौन वेगना, विलियन 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 उसका, नहीं मैं क्यूट तो देखो मैं हूँ, आई एम तो क्विटी क्विटी। अभी ये गई है बाहर और ये चिल्ला रही बच्चों के साथ, बच्चे गाइज हमें लोकेशन चेंज करनी पड़ी, कुछ बदतमीज बच्चों की वजह से जिनको मैं हड़का के आई हूँ बहुत बुरी तरह, पता है कैसे कर रही है उन बच्चों को, 10 मिनट हो गए देखे जा रही है ऐसे करके, हाँ देख मैं इसलिए रही थी, और डर कैसे कर रहे हैं ऐसे देख रहे हैं मुझे फिर सीधा, और मैं वहीं खड़ी रही ऐसे करके, मैंने कहा इस बार ही ना घर में आके मारूंगी, और ऐसे कर भी देखिए चली भी जाएगी, बहुत बदतमीज है। रिया भाई ने, आपके पापा बहुत ओल्ड लगते हैं बट आपकी मॉम ओल्ड नहीं लगती, ऐसा क्यों, ऐसा इसीलिए क्योंकि मेरी मम्मी और मेरे पापा के बीच में जो एज डिफरेंस है वो बहुत ज्यादा है। दूसरी चीज मैंने ये देखा है कि बहुत सारे लोग होते हैं बहुत यू नो बहुत हैंडसम होते हैं, बहुत अच्छे लग रहे होते हैं, मेरे पापा भी हैं और मुझे बहुत हैंडसम लगते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं, बिकॉज उन्होंने हमें कभी भी किसी चीज़ के लिए नहीं रोका, हम लोग गाँव से निकले हुए हैं, हम लोग 6th तक मैं गाँव में पढ़ी हूँ, दिल्ली में कुछ था नहीं, दिल्ली में आए कैसे कैसे करके, बहुत सारी चीज़ें थी, और उसके बाद ऐसे कपड़े पहनने के लिए, वीडियोस बनाने के लिए, शूट्स करने के लिए, इनफैक्ट दोस्तों के साथ कहीं जाने के लिए उन्होंने कभी मना नहीं किया, इनफैक्ट सपोर्ट किया, मम्मी कई बार गुस्सा कर देती है पर पापा तो दिल के बहुत अच्छे हैं, कभी ना किसी को बुरा बोल सकते ना कभी किसी के लिए बुरा कर सकते, तो उन्होंने हमारे लिए भी बहुत कुछ किया है, और आई फील इंसान शक्ल से ज़्यादा दिल से खूबसूरत होना चाहिए एंड तभी वो इंसान होता है, और मेरे पापा हैं तो इसीलिए थोड़ा एज डिफरेंस की वजह से वो थोड़े ओल्ड लगते हैं, बाकी एज अ पर्सन ही इज़ वेरी नाइस एंड ही इज़ वेरी अमेजिंग, और आई गेस वो अपनी एज के अकॉर्डिंग बहुत अच्छे लगते हैं अभी भी, बिकॉज वो अपनी 50 क्रॉस कर चुके हैं, सो या ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेश्वरी राणा ने पूछे हैं 3 क्वेश्चन, फर्स्ट दीदी आप कहाँ रहते हो, आप क्या स्टडी करते हो, कौन सी साइड ली थी आपने आफ्टर डेथ, मैं कहाँ रहती हूँ, मैं दिल्ली में रहती हूँ, और मैं क्या स्टडी करती हूँ, मैंने बताया मैं JRF की तैयारी कर रही हूँ, और तीसरा मैंने क्या स्ट्रीम ली थी, अब भैया स्ट्रीम ने मुझे लिया था, मैंने स्ट्रीम को लिया था, अभी तक हम कंफ्यूज है क्योंकि पहले मैंने कॉमर्स ली फिर मैंने आर्ट्स ली, उसका रीज़न अभी बताऊंगी, शांति रखो शांति रखो। माई नेम इज़ वंशिका,
question is your school or college first crush or any this type story and where are you from? Love you, Dean. Love from Rajasthan. यार तुम मेरा first crush मत पूछो. अगर मैं गांव में गई ना, क्योंकि मैं गांव में रहती थी तो obviously वहीं first crush होगा. और मैं हराम बच्चों में से थी तो अब गांव में six तक था, अब मैं six में crush बना लेती थी. बेटा वो nursery का crush था मेरा, अब नहीं. अब तो बोला ना तुम मेरा crush हो. नहीं, बस मैंने उसके आगे पैर ऐसे करके ऐसे करा. हाँ, एक बार ऐसे करके किया था तो उसके बाद उसका क्या रिएक्शन था, उसने पता क्या बोलता. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है संदीप गधवी ने. नंबर वन, हैव यू एवर लाइड टू योर मदर टू गो एनीवेयर? हाँ, करा था. एक बारी मोमोज खाने के लिए गई थी अपने फ्रेंड के साथ. मैंने बोला मम्मी मेरे को ट्यूशन जाना है, चप्पल पहन रखी थी ऐसे वाली, पर लाइनर लगा रखा था. लाइनर बोलने का नहीं थी तो लाइनर इज इम्पोर्टेंट. लाइनर लगा रखा था. मम्मी देख रही हूँ एक स्कूटी, पतली सी स्कूटी पे ऐसे करके आ रही है. मैं देख रही हूँ सामने से चप्पल पहन के आ रही हूँ. मैंने कहा कपड़े भी आ रहे हैं, ब्लैक और पिंक कलर की ड्रेस थी वो. इनका मम्मी लग रही है. मम्मी का पीछे बैठ. मेरी फट गई चार की लाइनर भी लगा के आ रखी है, सब कुछ कर रखा है. कहाँ से आ रही है बेटा? मैं पूरे रास्ते कुछ नहीं बोली, बस ऐसे ऐसे करते घर पहुंची कैसे न कैसे. मैंने देखा कि मैं डर गई. उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर ब्रोकन समथिंग एंड ब्लेम्ड टू अदर्स? हाँ, ब्रोकन का तो मेरे को याद नहीं है, पर हाँ मुझे ये याद है, आशु के घर पे मैं गई थी और उसके घर पे नया नया पेंट हुआ था ग्रे कलर का, और मैंने अपने मुंह पे एलोवेरा जेल लगा रखा था. उसने मुझे हल्का सा धक्का दिया, मैंने ज्यादा एक्टिंग करके ना उसके उस पर मैं चिपक गई और पूरा का पूरा गाल उसके वहां छप गया. तो मैंने उस पर नाम लगा दिया कि तूने क्यों धक्का दिया. और हालांकि मैं खुद ड्रामे करके गई थी, तो मैं ऐसे करी थी. आशु में कोई बात पता है तो उसने मेरे को चमकाया नहीं था. फिर नहीं, उनको ये बात पता है कि आपने ड्रामे किए थे. वो तो फिर क्यों बताऊंगी मैं, अब बता रही हूँ मैं. तब तो मैं डर गई थी. बेटा इंसान हो गया क्यों बेटा, मुझे अब तो बुरा नहीं बात. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज योर फेवरेट मेल एंड फीमेल सिंगर? सिंगर फीमेल मेरी सिंगर श्रेया घोषा. और घोषा घोषा कौन है? कौन है? श्रेया घोषाल. चल ठीक है, नया का करे ठीक है. और मेल सोनू निगम लगा दे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हैव यू एवर फेल्ड इन एनी क्लास? या आई हैव. मैं 11th क्लास में फेल हुई थी क्योंकि मैंने कॉमर्स ले ली थी और मैं इकोनॉमिक्स में ऐसी गिरी कि मुझे कोई नहीं संभाल पाया. फिर मेरे को दोबारा 11th रिपीट करनी पड़ी और उसमें मैंने आर्ट्स ले ली. वाओ, ब्यूटीफुल. हैव यू एवर बंक्ड योर स्कूल और कॉलेज? या आई हैव बंक्ड माय स्कूल. स्कूल में बंक की थी मैं बंक की थी क्योंकि बंक ऐसा नहीं था, मैं डर गई थी. क्योंकि ना मम्मा ने बोला कि उस दिन मैं नहा के स्कूल नहीं गई, तो मम्मी ने बोला तेरी क्लास में जाके बताऊंगी कि तू नहा के स्कूल नहीं गई. अच्छी हाँ. और मैं दो चार दिन पहले भी ऐसे कर चुकी थी कि मैं नहा के स्कूल नहीं गई थी, तो मम्मी ने बोला आज तो बता के रहूंगी. और मैं मम्मी को परेशान करती थी अपने स्कूल टाइम में, सुनता ले अब तू 5 बजे नहा ले, तेरी तरह नहीं है ना ठीक है. तो मम्मी बोलती कहती गहलोत को जाके बताऊंगी सब कुछ. मैंने कहा नहीं मम्मी, गहलोत को नहीं, वो तो मारेगा. कौन गहलोत? बच्चा स्कूल का प्रिंसिपल. कहती गहलोत और बीन को बताऊंगी. मैंने कहा यार गहलोत और बीन, एक था मिस्टर बीन और एक था गहलोत. मेरे स्कूल के बच्चों को पता होगा सबको, हम उसको ही बताते बीन आ गया भागो भागो ठीक है. बीन बता दो. अरे उसका नाम मिस्टर बीन था क्योंकि वो लगता उस जैसा था. लगते थे सर उस तो मैं डर गई और मैं भाग के चली गई स्कूल से. मैंने कहा आप जाओ स्कूल में, मैं जा ही नहीं रही. और मैं भाग के चली गई पता नहीं कौन से मंदिर बस में बैठ के. और फिर जब स्कूल खत्म आया और ओएस खाते खाते, तब बाद में छुट्टी के बाद घर आई. योर फेवरेट फूड? चौमीन और टिक्की. मैंगो? मैंगो नहीं है यार, मैंगो इज माय फेवरेट फ्रूट है. पर वो योर फेवरेट फैमिली मेंबर? माय फेवरेट फैमिली मेंबर लाइक आई लव एवरीवन, ऐसा कुछ नहीं है. मेरे लिए सब इक्वल हैं बिकॉज सबका एक अलग रोल है मेरी लाइफ में. और मम्मा जितनी इंपॉर्टेंट है उतनी गुन्नू भी है, गुन्नू जितनी उतने पापा भी हैं. तो ऐसे किसी को मैं वो डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकती, पर ये छुछुंदरी है थोड़ी सी ज्यादा. अब तो बोल रहा है मुझे प्रेशर में प्यार करते हो ना, जैसे हम आपसे इंपॉर्टेंट कोई हो सकता है मेरे लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन रितुल ने पूछा है, व्हाट वुड बी योर पेरेंट्स रिएक्शन इफ यू टोल्ड देम दैट यू हैव अ बॉयफ्रेंड और योर गाय बेस्ट फ्रेंड इज योर बॉयफ्रेंड? तो मेरे बेस्ट फ्रेंड को पकड़ के लाएगी और पहले उसे पीटेगी, फिर उसके सामने मुझे पीटेगी. नहीं, उनकी मम्मी पता है क्या बोलेगी, अगर आपके बेस्ट फ्रेंड आपके बॉयफ्रेंड होंगे तो भाई तेरे को और कोई नहीं मिलेगी. मम्मी बोलेगी भाई इधर आ, तेरे को और कोई नहीं मिलेगी. नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है रश्मीज वर्ल्ड ने. नंबर वन, योर फेवरेट यूट्यूबर? कोई है ही नहीं. मैं ही हूँ. क्यों मैं नहीं हूँ? अरे तू भी तो यूट्यूबर है. सॉरी मेरी शक्ल देख के नहीं लगता. मतलब हमें नहीं पता हम यूट्यूबर हैं कि नहीं. हमें बस हम बना रहे हैं, हम हैं यूट्यूबर. बताओ मुझे जरा, मैं हूँ क्या?
संदीप्ता ठाकुर की क्वेश्चन है, व्हाट द वियर्डेस्ट ड्रीम यू एवर हैड? वियर्डेस्ट अभी आया था, मेरे शक्तिमान के थप्पड़ मार रहा है परसों, और मैंने बताया था इसको कि मेरे यार मेरे को सपने में आया, मैंने शक्तिमान के थप्पड़ मार दिया, यही था वियर्डेस्ट। तो अभी फिलहाल शक्तिमान की तरह से घूम के मारा था, ऐसे सीधे खड़ी खड़ी मार दिया था, घूम रहा था मेरे आगे, बनाऊ तेरे चक्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू कुड ट्रैवल टू एनी ईयर इन अ टाइम मशीन, व्हाट ईयर वुड यू चूज एंड व्हाई? वो अगर मुझे जाना होगा तो मैं अपनी मम्मी के टाइम में जाऊंगी, जब वो छोटी थी, क्योंकि उनके मदर और फादर दोनों नहीं थे, और जो एक बच्चा डिजर्व करता है अपने मम्मी पापा से, वो लव, वो अफेक्शन उनको कभी नहीं मिला, उनको चाची ने ही बड़ा किया है। तो मैं उस टाइम में जाऊंगी और मैं उनके लिए वो सारी चीज़ें करना चाहूंगी जो एक मदर करती है अपनी डॉटर के लिए, तो मैं यही करना चाहूंगी उनके लिए, जो फादर करते हैं वो भी करूंगी। अ फेवरेट सॉन्ग इन मूवी? माय फेवरेट सॉन्ग, ये मुझे पता है, स्पाइडरमैन तूने चुराया मेरे दिल का चैन, ये है, और मूवी है हम दिल दे चुके सनम। क्वेश्चन पूछा है अंकिता दुबे व्लॉग्स ने, हाउ टू ग्रो यूट्यूब चैनल लाइक यू, योर टिप्स? यार आपको लग रहा है मेरा ग्रो हो गया, मतलब हाँ ऑब्वियसली मैं बहुत खुश हूँ, जितना भी मुझे मिला है मैं उस चीज़ के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। और अगर मैं टिप्स बताऊँ तो मैं सच में यूट्यूब पे पहले वीडियोस बनाते, मैं आपको चलो बिल्कुल बेसिक से बताती हूँ, कई यूट्यूबर्स करते होंगे कि मैंने ऐसे ट्राई किया एंड फिर मैंने ऐसे पहुँच गए, मैंने ऐसे वैसे कुछ नहीं किया। मेरा पहले एक यूट्यूब चैनल था जिसमें मैंने बहुत मेहनत की, पर मेरे सिर्फ 1000 सब्सक्राइबर्स एक साल में कंप्लीट हुए, और मैं उस चैनल पे इतना डरती थी, जैसे मैंने बताया मैं टू को भी टू ही बोलती थी, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस लेवल बिल्कुल जीरो था और मुझे समझ नहीं आता था कैमरे के साथ बात कैसे करूँ, और मैं बहुत इंट्रोवर्ट तो कभी नहीं थी, बदतमीज थी बचपन से, पर डर लगता था। और ये जब यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया तभी मैं एक दो बार रोई हूँ कि मुझे नहीं आता, मुझसे नहीं होता, हर किसी का यूट्यूब पे कुछ हो रहा है, सब अच्छा कर रहे हैं, मेरे से क्यों नहीं होता कभी भी कुछ। तो मम्मा ने मुझे बोला तो ये मत सोच तेरे सब्सक्राइबर्स बढ़े, ऐसा भी टाइम आया कि मेरे पूरे, मैंने बहुत अच्छे से मेहनत की और मेरे वीडियोज़ पे 10 व्यूज आ रहे हैं, 12 व्यूज आ रहे हैं, और मैं ऑब्वियसली कितनी डिमोटिवेट होंगी, क्योंकि प्रॉपर एडिटिंग लगती है, प्रॉपर आप बैठ के बनाओ, मेरे पास कैमरा भी था, तो मुझे लगता था कि लोगों के पास यू नो फोन है फिर भी वो इतनी अच्छी यूट्यूब वीडियो बना पा रहे हैं और उनकी चल रही है, और मेरे पास कैमरा है मेरी फिर भी क्यों नहीं चल पा रही। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट करती है आपको। और मुझे सबसे अच्छी चीज़ जो सबने बताई, जो मेरे आज भी काम आ रही है, चाहे मैं कितनी भी बिजी हूँ, मैं कोशिश करती हूँ 3 से 4 दिन के बाद वीडियो डाल दूँ, हालांकि लेट हो जाता है थोड़ा सा यार, पर मैं क्या करूँ, पढ़ाई भी होती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। और रेगुलर रहना कि वीडियोस बनाती रहे, तू मत सोच रिजल्ट्स क्या होगा, बस तू बना बना और बना, और मैंने बनाती रही, तो मुझे अभी जहाँ पहुँचना है ऑब्वियसली वो उसका 10% भी नहीं है जो हुआ है अभी, बट स्टिल आई एम वेरी ग्रेटफुल कि मेरे लिए बहुत है ये भी। क्वेश्चन है, व्हाट इज़ योर यूट्यूब इनकम? व्हाट इज़ माई यूट्यूब इनकम? सो ऐसे मैं बिल्कुल नहीं बता सकती कि मेरी YouTube इनकम क्या है, और मैं आपको एक टिप भी देना चाहूँगी, अगर ये गलती आप कर रहे हो या आपसे होने वाली है कुछ ऐसा, या आप मेरे चैनल देखते हो, तो प्लीज़ इसको ध्यान रखना, जो गलती मैंने की आप मत करना। पहले तो बात करते हैं मेरी YouTube इनकम अभी तक कितनी हो चुकी है, मैं एक फिगर नहीं बता सकती आपको इतना मैंने कमाया, बट मैं आपको बता रही हूँ मैं उस यूट्यूब इनकम से अभी क्या खरीद सकती हूँ, कितने मेरे पास पैसे हुए हैं यूट्यूब के। सो मैं आईफोन 12 खरीद सकती हूँ अभी उन पैसों से, और तो आप जाके देख लो वो कितने का है, आपको आइडिया मिल जाएगा। और दूसरा कि मेरे जैसे ये चैनल बने हुए 3-4 महीने हो चुके हैं, मेरा मोनेटाइजेशन पहले ही मंथ में स्टार्ट हो गया था, बट मैंने गलती क्या की मैंने उसके 2 महीने बाद, मतलब 2.5 महीने हो चुके थे मोनेटाइजेशन हुए, और तब मैंने अपना चैनल को ऑन किया मोनेटाइजेशन, जिसके जितने भी पैसे गए वो वेन में गए, और मुझे जो ये इनकम आई है पिछले 1.5 महीने से आई है, तो मुझे दुख हो रहा है कि वो मेरे क्यों ख़राब हुए, पर ठीक है, कुछ जो भी डेस्टिनी में लिखा होता है आपको खुशी खुशी एक्सेप्ट करना चाहिए, क्योंकि जो आपकी लक का नहीं है, हो सकता है आपके लिए भगवान ने कुछ और चीज़ें रखी हो, तो वो तो मुझे मिलती रहती है, इतनी अच्छी फैमिली और पैसे मैटर नहीं करते सच्ची में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है सार्थक क्रू ने, इज देयर समथिंग वी कैन एक्सपेक्ट बिटवीन यू एंड आशु भैया, यू बोथ लुक ग्रेट टुगेदर? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर द कॉम्प्लीमेंट। सो यू हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम कि आपके और आशु के बीच में क्या है, या इज ही योर बॉयफ्रेंड और समथिंग, तो लेट मी गिव एन ऑनेस्ट आंसर इस क्वेश्चन का, अभी मैं आपको बता देती हूँ।
तो आशु और मेरे बीच में ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं। मेरी आशु के साथ बॉन्डिंग पता इतनी अच्छी क्यों है, और हमें उस पर्टिकुलर टैग की ज़रूरत नहीं है कि ये, और हमें चाहिए भी नहीं ये सारी चीज़ें। वो मेरे लिए इतना कुछ करता है, मतलब एक फ्रेंड ऐसी वर्ल्ड में आपका इतना साथ दे रहा है कि लोग इतने अपॉर्चुनिस्ट होते हैं, प्लस इतने सेल्फिश होते हैं, कोई आपके बारे में अच्छा सोचता नहीं, आप ग्रो कर रहे हो, बट उसने हमेशा मुझे सपोर्ट किया मेरे बैड टाइम्स में। जब पिछले टाइम पे लॉकडाउन था, ऑब्वियसली सबकी कंडीशन इतनी बेकार थी उस टाइम पे, और विदाउट एनी एक्सपेक्टेशंस, कि उसका मेरे साथ ही बॉन्ड अच्छा नहीं है, उसका मम्मी पापा गुन्नू सबके साथ इतना अच्छा है। मेरे 5K सब्सक्राइबर्स हुए थे इंस्टाग्राम पे, उसकी और मेरी लड़ाई हो रखी थी, मुझे था अब तो हम कभी भी बात ही नहीं करेंगे, बट एक अच्छा फ्रेंड आपको मोटिवेट करने के लिए क्या करता है, उसने मुझे घर पे केक पहुँचवाया, और मैंने देखा, मैंने कहा किसका है, कौन भेज सकता है, मेरे तो कोई ऐसा बंदा बंदा भी नहीं है, कोई क्रश व्रश भी नहीं है जो भेजेगा। मैंने केक तो रख लिया, मैंने कहा केक तो रख लेती हूँ, ठीक है। और बाद में मुझे जब वो मैंने मैसेज पढ़ा उस पर, तो उसको पढ़ के मुझे उसकी उसी से समझ आ गया कि आशु ने भेजा है, और जब हमारी बाद में बातें हो गई तो ऑब्वियसली पता चल गया कि आशु का ही था। और उन्होंने कुछ ना नाम लिखा कि ये मैंने भेजा है, मतलब इट वॉज वेरी सेल्फलेस। हाँ, तो और ये चीजें नहीं है कि वो मेरे लिए केक लाया और मेरे को गिफ्ट चाहिए, मुझे गिफ्ट विफ्ट ये सब नहीं चीजें चाहिए होती, और मुझे पसंद भी नहीं है। इनफैक्ट जो लड़के मेरे को गिफ्ट देते हैं मेरे को गंदा लगता है, मतलब अगर कभी देंगे भी तो गंदा लगेगा, आज तक तो वैसे किसी ने गिफ्ट दिया नहीं। आप तो कहते हो मेरे को गिफ्ट पसंद है मम्मी पापा से, और मतलब जो बहुत अच्छे क्लोज फ्रेंड्स हो जो कुछ एक्सपेक्ट ना करे बदले में, मतलब ये बात है। दोबारा मत पूछना आशु मेरे बारे में, मेरी मम्मी भी तोड़ देगी मुझे पकड़ के, मुझे कि आशु आशु बड़ा कर रही है, तू जाए यहाँ से भाग आशु की गली में। Hey guys, that's it for this video. I hope you love me and you are loving me, and I love you all and I love you.